लेकिन सही टेक्निक सीखिए, सही टेक्निक सीखिए, इसको मार्केटिंग को सोच के कीजिए। सिर्फ शौक पूरा करना दिन मनाना नहीं, लोगों का घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है, पिक्चर बनाने में बर्बाद हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा कि टेक्निकली सीखें, उसके बाद बनाएं, समझें फिल्म को। कई लोग यहाँ से फ़ोन करते हैं मुझे कि मुझे फिल्म बनाना है, मेरे पास 10 लाख रुपया है। ऐसा नहीं होता है कि 10 लाख रुपया लाया फिल्म बना लिया तो हीरो बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। फिल्म सिर्फ पैसे से नहीं बनती है, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस फिल्म का प्रॉपर मैसेज क्या है अगर यूथ के देखा जाए? देखिए, यूथ के लिए बहुत बढ़िया मैसेज है। यूथ ही चेंज करेगा सोसाइटी को, तो उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, मैसेज दे रहे हैं हम लोग कि आज के दौर में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो बर्निंग इश्यूज हमने दिखाया है, डायन प्रथा, बांझपन, एक औरत का दर्द, तो वो सब खत्म होना चाहिए। वो कौन चेंज करेगा? यूथ ही चेंज करेगा, लड़के ही चेंज करेंगे ज़्यादा। लड़कियाँ ठीक है, वो कह सकती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने वाला ना लड़के होते हैं, यूथ होता है, उनको चेंज करना चाहिए। कांस तक ले जाने में कौन सा? देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और उसको सिर्फ फेस्टिवल के रूप में नहीं देखा जाता है, वो एक मार्केट प्लेस है जिसमें फिल्म लेने और बेचने की मार्केटिंग होती है। वहाँ पर दुकानें लगी होती हैं, आप उसको दुकान कह लीजिए, फिल्म की दुकान। मैंने वीडियो शेयर किया था कि उसको एक नॉर्मल इंडिया में या कहीं और फॉरेन में जो फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फेस्टिवल सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं होता है, वो उसमें मार्केटिंग के लिए होती है कि आप अपनी फिल्म को जाके मार्केट हब है, वहाँ पे आप मार्केट कर सकते, तो वो एक अलग चीज़ है। कांस फिल्म फेस्टिवल सिर्फ अवार्ड लेने के लिए, अब अवार्ड कैटेगरी में इस बार इंडिया की कोई फिल्म नहीं सेलेक्ट हुई उसमें, लेकिन हमारी फिल्म मार्केटिंग में सेलेक्ट मार्केट और जाके हमने उसको किया, और उसी का नतीजा है कि चाइना में हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, नहीं तो नहीं होती। और दूसरे कंट्रीज से जो बात हो रहे हैं रिलीज करने के, नहीं तो वो लोग इंटरेस्ट कैसे दिखाते जब तक देखते ही नहीं। वही प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रेजेंट करना और अपने आप को बेचना, फिल्म बेचना और खरीदने का वो प्लेटफॉर्म है।